दोस्तों 56 दुकान और इंदौर की अति प्रतिष्ठित स्वीट्स की दुकान अग्रवाल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स पर आज हम हैं और आइए हम बात करेंगे अग्रवाल स्वीट्स के मोहन अग्रवाल जी से। मोहन जी, जी अग्रवाल स्वीट्स के बारे में बताएंगे। आपसे मैंने बात किया तो आपने बताया कि आपके परिवार की चौथी पीढ़ी अब कार्यरत है, तो ये कितने साल से ये है और अग्रवाल स्वीट्स को किसने एस्टैब्लिश किया? देखिए, ये जो संस्थान है 75 वर्ष पुराना है। 75 वर्ष, वेरी। हमारे जो दादाजी है राजस्थान से आए थे। अच्छा। उनका नाम श्री हरिनारायण जी अग्रवाल। ओके। उन्होंने ये सब नींव डाली, और ये इसकी जो आपकी पेढ़ी कहलाती है वो सराफा में है। जी जी, सराफा में। आपकी कितनी यहाँ पे प्रतिष्ठान में 5 दुकानें हैं मेरे ख्याल से, आपने बताया 5 शोरूम से मिठाई के अपने। अच्छा। और प्रभु की कृपा से सब जो है इंदौर में एक ब्रांड नेम है अग्रवाल स्वीट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और अग्रवाल स्वीट्स की जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, विशेषता तो यह है कि जो भी मिठाई बनाने में जो रॉ मटेरियल है वो उत्कृष्ट क्वालिटी का हम परचेज करते हैं जी। उसी से स्वाद जो है मिठाइयों में, और शक्कर की मात्रा भी बहुत कम रखते हैं जिससे स्वाद जो है मिठाई का बहुत अच्छा आता है। अच्छा। और ग्राहकों का जो विश्वास है वही हमारी पूंजी है। नहीं, आपकी जो रसमलाई का स्वाद है वो रसमलाई मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंदौर में उस तरह की रसमलाई नहीं है। जी, उसमें आप क्या क्या रसमलाई में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? देखिए, एक तो जो कारीगर है वो कोलकाता के, हमारे जो बंगाली मिठाई बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा गाय के दूध से, गाय के दूध से ही रसमलाई बनती है। और उसमें केसर, पिस्ता, बादाम का समावेश होता है, तो वो लज्जतदार रसमलाई। अग्रवाल स्वीट्स की जो विशेष मिठाइयां हैं उसमें रसमलाई भी है। रसमलाई इनकी बहुत स्वादिष्ट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं रसमलाई के ऊपर केसर, पिस्ता और अभी मोहन जी ने बताया कि ये रसमलाई गाय के दूध की बनी हुई होती है, इसलिए पौष्टिकता भी इसकी और टेस्ट भी दोनों आपको मिलता है। अग्रवाल स्वीट्स पर जो इनकी ट्रेडिशनल है मिठाई वो बेसन चक्की भी है। बेसन चक्की जो कि अग्रवाल स्वीट्स की बेहद टेस्टी मिठाई है और लोग काफी पसंद करते हैं। अग्रवाल स्वीट्स पर जो कस्टमर हैं आज उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से आ रहे हैं। और मोहन जी का जो पर्सनल टच है उसका वो भी एक है मिठाइयों के अलावा। मिठाई के अलावा मिठाई की क्वालिटी, उनके नेचर की क्वालिटी, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। यस 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 यस, दैट मेक्स अस टू ब्रिंग हियर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। योर गुड नेम सर? आई एम नरेश पावा। नरेश पावा। तो नरेश पावा जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि मोहन जी की जो पर्सनल टच है वो भी इस मिठाइयों की दुकान पर आकर्षित करती है। मोहन जी ने जैसे बताया कि अग्रवाल स्वीट्स ये इनके 70 साल पूर्व से पूर्वजों ने इस्टेब्लिश की हुई दुकान है। ये हरिनारायण जी अग्रवाल और उनके दोनों बेटे, तो इसके बाद ये चौथी पीढ़ी अग्रवाल स्वीट्स इंदौर को सेवाएं दे रही है। आप देख रहे हैं अग्रवाल स्वीट्स पर जो लोगों की भीड़ है वो इस चीज का परिचायक है कि इनकी क्वालिटी, टेस्ट अद्वितीय है। अग्रवाल स्वीट्स पर जो रेगुलर इनके कस्टमर हैं उसमें अनुजा जी चूंकि इंसिडेंटली यहाँ पे आई थी तो हमने सोचा उनसे भी बात कर ली जाए। अनुजा जी बताइए, अग्रवाल स्वीट्स की मिठाइयों की क्या खासियत है? इनकी क्वालिटी, इनकी फ्रेशनेस। ओके। क्वांटिटी पे मैटर नहीं करते थे, फोकस ऑन देयर क्वालिटी। क्वालिटी इज मोर। सीजन में दूध के पूरे प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं, नॉट इवन रसमलाई, नथिंग ऑफ मिल्क। ओके ओके। सो दैट कोई खराब मावा या खराब तरीके का कोई प्रोडक्ट यूज ना हो। तो इनके ना मेन फोकस इज ऑन क्वालिटी एंड फ्रेशनेस। सिंस हाउ लॉन्ग यू आर कमिंग टू दिस प्लेस? आई थिंक 10 years. More than 10 years. More than.
probably you are wrong. Maybe you must be visiting more than 10 years. Maybe, I don't remember. Okay. My okay. favorite is their rasmalai. Yes, yes, yes. My favorite is also rasmalai. Yeah. Kabhi bhi kisi bhi waqt, I just drop in and have rasmalai. Yes, good. Whenever I feel like. Yes. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And thank you for your comments. Anuja ji, bata rahi thi aap kuch ek aur mithai ke baare mein. Besan ki chakki. Jo mein ghul jati hai. Acha. Oh, very good. So yummy. Thank you. Thank you. Wo to age related kuch problems hai ki I can't have much. Otherwise, I'm very fond of sweets. Aur mera bas chale to main roz yahan pe aake roz aake kha lu main. Very good. Sweets के जो इनके सहयोगी हैं अभिषेक अग्रवाल जी, इनसे बात करते वक्त इन्होंने बताया था कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया और होटल मैनेजमेंट के साथ बिजनेस मैनेजमेंट किया. तो व्यवसाय में इन्होंने किस तरह चेंजेस लाए हैं उसके बारे में बताएंगे अभिषेक. सर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक होटल मैनेजमेंट और एमबीए करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी लिया था. okay. और उसमें काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज की डेट में जरूरत है. okay. जैसे कि हमने सबसे पहले ऐसा करा कि चॉकलेट्स, आज की डेट में बहुत ज्यादा चॉकलेट्स के बारे में प्रचार किया जाता है और कहीं ना कहीं चॉकलेट्स मिठाइयों के लिए गलत साबित हो रही है. बट हम लोगों ने उसको एक हेल्दी वे में अप्रोच करा और हमने हमारी कुछ स्वीट्स के अंदर चॉकलेट्स का प्रयोग करा है. okay. जिससे कि वो स्वीट्स और ज्यादा अच्छी बेहतर बनी है. उन चॉकलेट्स की कुछ खूबियां बता रहे थे आप. हम लोगों ने जैसे कि एक नई स्वीट अभी लॉन्च करी है, काजू कैरेमल. बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने एक फ्यूजन एस्टेब्लिश करा काजू और कैरेमल चॉकलेट के बीच में. okay. तो बेसिकली कैरेमल चॉकलेट का फ्यूजन जब काजू के साथ मिला और उसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स की कोटिंग हुई तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आया और लोगों ने इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया. आपने अभी बताया बातचीत के दौरान कि आपका अमूल के साथ भी टाई अप हुआ. जी, रिसेंटली अग्रवाल स्वीट्स का अमूल के साथ एक टाई अप हुआ है जिसमें अमूल के लिए हम लोग उनको, उन्होंने एक नमकीन की नई रेंज निकाली है. okay. तो वो हम लोग मैन्युफैक्चर और पैक करके उनको सप्लाई करते हैं. okay. तो ये नमकीन फिलहाल गुजरात की कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही उपलब्ध है. अच्छा. और धीरे धीरे ये सिर्फ एक महीना हुआ है तो धीरे धीरे इसको हम लोग स्केल करके एंटायर गुजरात एंड देन महाराष्ट्र में इसको लॉन्च करते हैं. इट विल बी मार्केटेड बाय अमूल. इट वुड बी मार्केटेड बाय अमूल एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय अग्रवाल स्वीट्स. इस तरीके का टाई अप. Very nice.